अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके एलईडी बल्ब को आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर की मदद से। वैसे हमारे जो एलईडी लाइट्स हैं इनकी जो 2 या 3 साल हमारी इनकी लाइफ होती है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह लगाएंगे इसके साथ ये कैपेसिटर इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो ये कम से कम आपका 5 साल 6 साल ये चल सकता है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको अभी सारा इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ और आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा 12 वाट का जो है एलईडी लाइट है और इसके साथ ये 2.5 UF का फ़ैन कैपेसिटर है। आप चाहें तो इसमें 3 UF का भी लगा सकते हैं और 3.5 UF का भी चल सकता है। एक कैपेसिटर के साथ आप कम से कम 5 बल्ब आराम से चला सकेंगे। होता क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे एलईडी लाइट के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, लाइट हैं ये और दूसरा ये हमारा ये छोटा सा ये सर्किट होता है। होता क्या है दोस्तों कि जब बिजली कम या ज़्यादा आती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, वो जैसे कुछ सेकंड्स के लिए होती है। सेकंड्स का भी आप कुछ कम कर लें उतनी देर के लिए वो कम या ज़्यादा होती है। तो ये हमारी एलईडी लाइट्स इनमें से कोई ना कोई एक उड़ जाती है या फिर ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं इसमें छोटे छोटे, कोई कैपेसिटर या कोई छोटा मोटा हमारा कंपोनेंट ये उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइट्स बंद हो जाती हैं या बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। और जब हम ये वाला कैपेसिटर इसके साथ लगा देंगे तो ये इसको बिजली जो कम या ज़्यादा कुछ भी फ्लक्चुएशन होगी, जो कोई मसला करेगा लाइट्स में, तो वो इसको सेव कर लेगा। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप मेन बोर्ड में भी लगा सकते हैं या फिर होल्डर में भी लगा सकते हैं, मैं आपको इसको होल्डर में लगाने का तरीका बताऊँगा। तो इसमें 2 तारे लगी हुई हैं, मैं पहले इसको दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने इस तरह अपने जो होल्डर लगा होगा उसकी एक तार निकाल लेनी है और उसमें ये लगा लेना। अगर मेन बोर्ड में लगाना चाहें तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं और अगर आप इसको होल्डर के साथ लगाना चाहें तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। मेन बोर्ड में अगर लगा लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी और भी कोई एलईडी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं तो आप वहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, साथ उनको भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब मैं इसको करंट देता हूँ और आप देखेंगे कि ये सही से चलेगा। ये लगा देते हैं और इस तरह ये, अब मैं इसको चला के आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं एक आपको एक चीज़ बता दूँ काम की, कि इसमें आपको कुछ रोशनी इस कैपेसिटर के लगाने से कम या ज़्यादा नहीं होगी, बस ये हो जाएगा कि आपका जो इसमें इसकी लाइफ है आपकी एलईडी बल्ब की वो बढ़ जाएगी। आपकी जो अगर 2 साल चलता है तो वहाँ पर 4-5 साल चलेगा। तो ये दोस्तों इसका तरीका है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप चाहें तो इस पर 4-5 बल्ब भी लगा सकते हैं, 3.5 UF का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।